ये देखिए दोस्तों, ये मेरा उड़ान का सेटअप है। इसमें फीमेल और नर सेक्शन है और दोनों के लिए स्पेशली मैंने धूप जाल बनाए वाला है। देखिए दोस्तों, ये इधर राइट में नर सेक्शन है और लेफ्ट में फीमेल सेक्शन है। और ये देखिए दोस्तों, मेरे लॉफ्ट के आजू बाजू का व्यू। कबूतर पक्का करने के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन पे मेरा लॉफ्ट है, तो इस वजह से मेरे कबूतर बहुत ही कम ज़ाया होते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम अब फीमेल सेक्शन में। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल सेक्शन का धूप जाल है और ये इधर ऊपर का। देखिए दोस्तों, ये फीमेल सेटअप। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ड्रिंकर है जिसके ऊपर अगर कबूतर बीट भी करे तो बीट अंदर नहीं जाती। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लॉफ्ट में मैंने जाके देखा है कि कबूतर के ड्रिंकर में बहुत सारे कबूतर बीट करते हैं। इस वजह से कबूतर का कोटा भी ख़राब होता है और कबूतर को इन्फेक्शन होता है। इस वजह से कबूतर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बीमार पड़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये इनका फीडिंग ट्रे है। और इस वजह से क्या होता है दोस्तों, ये फीडिंग ट्रे में कबूतर का अगर दाना डाले तो कबूतर इसमें बीट नहीं करते और साफ़ सुथरा दाना उनको खाने के लिए मिलता है। तो इस वजह से कबूतर बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी रहते हैं और कबूतर बीमार नहीं पड़ते। क्योंकि बीट में भी कबूतर के दाने में अगर कबूतरों ने बीट किया तो कबूतर बीमार पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये धूप जाल का सेटअप है। यहाँ पे कबूतर रोज़ सुबह आते हैं धूप सेकने के लिए। देखिए दोस्तों, और ये इधर ऊपर मैंने स्पेशली दरवाज़ा किए वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा खुलता है ये दरवाज़ा कबूतर को अंदर आने के लिए। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम फीमेल के सेटअप में। देखिए दोस्तों, ये फीमेल का सेटअप क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल सेटअप। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 40 एक कबूतर इस सेक्शन में है जिसमें ज़्यादातर फीमेल और उनके पट्टे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल का सेटअप और पट्टों का सेटअप। फीमेल और पट्टों को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि क्या होता है दोस्तों, फीमेल और पट्टे एक सेक्शन में बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। नर के साथ कभी भी पट्टे रखने नहीं चाहिए क्योंकि नर थोड़े एग्रेसिव टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, ये फीमेल का सेटअप जिसमें अलग अलग क्वालिटी के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबूतर हैं। टीडी डब वाले, 35 वाले, गोल्डन, ये देखिए दोस्तों, ये कबूतर बहुत ही ज़बरदस्त और पट्टे भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इधर एक फीमेल बेदाग और ये नीलकमल गर्मादी। और ये देखिए दोस्तों, ये टेडी क्रॉस। और इधर पीछे डब वाली मादी और इधर एक पट्टा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लॉफ्ट की साफ सफाई दोस्तों मैं हर संडे को करता हूँ। और ये नीला कमगर नर, देखिए दोस्तों, ये पेड़ है नीला कमगर और ये 35 वाला पेड़। ये देखिए दोस्तों, ये इधर भी दो मादी है। ऐसा फीमेल का सेटअप है दोस्तों ये पूरा के पूरा। तो चलिए दोस्तों, अब नर के सेक्शन में चलते हैं। वो नीला कमगर नर गलती से इधर आए वाला है। देखिए दोस्तों, ये इधर अंदर से अंदर जाने के लिए भी मैंने दरवाज़ा किया है। ये खुल गया दरवाज़ा और बाहर से भी दरवाज़ा है। और ये देखिए दोस्तों, इधर नर का ड्रिंकर है। ये भी वैसे ही क्वालिटी का ड्रिंकर है।
और ये देखिए दोस्तों, ये नर का डूब जाल का सेटअप। यहाँ पे आते हैं रोज सुबह नर, और ये देखिए दोस्तों, ये अंदर का नर का सेटअप देखिए दोस्तों। ये नर बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के कबूतर इसमें देखिए दोस्तों। मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग के पेयर थे जो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल किए हैं। अब खाली मैं उड़ान करने वाला हूँ, तो इस वजह से देखिए दोस्तों, ये सब उड़ान के कबूतर है। और ये देखिए दोस्तों, इधर लाइट का सेटअप भी किया है और इधर बल्ब लगाए वाला है। फीमेल सेक्शन में भी लाइट का सेटअप है, आपको कबूतर दिखाने के रह गए थे। देखिए दोस्तों, ये टेडी क्रॉस कबूतर है और ये गर्रा है, ये राजस्थानी में का है, टेडी क्रॉस 35 वाला। देखिए दोस्तों, ये इलाहाबादी, ये 35 वाला। और ये देखिए दोस्तों, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, ये राइट का 35 वाला, और ये ओरिजिनल चूहा नर है, ये 35 वाला, ये 35 वाला में का है, ये सफ़ेद नर बेदाग। और ये यहाँ पे ये टेडी क्रॉस है, ये भी टेडी क्रॉस। और ये ओरिजिनल गोल्डन नर, जो अभी इसका सेल का वीडियो आने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, 35 वाला और बटेरे का पट्टा, ये है दोस्तों नर का सेटअप। ये देखिए दोस्तों, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब नर का सेक्शन है मेरे घर का। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बनाया वाला है, और ऊपर कोटिंग के पत्रे डाले वाले हैं, इस वजह से कबूतर को ज़्यादा गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं होती। देखिए दोस्तों, ये मेरा सेटअप। बहुत दिन से भाई बोल रहे थे कि सुहास भाई आपके कबूतरों का शौक कराओ, तो इस वजह से मैंने आज स्पेशली मेरे कबूतरों का सब वीडियो निकालने वाला है। तो इसमें से भी कुछ कबूतर मैंने सेल के लिए निकाले हैं, जिसका वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप कर